तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जो खाने वाला नमक होता है उसे हम बारूद बनाएंगे। दोस्तों इसको गन पाउडर भी बोल देते हैं, ब्लैक पाउडर भी बोल देते हैं। दोस्तों इस नमक से हमें बारूद बनाने के लिए हमें सबसे पहले कुछ चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। एक तो हमें कांच की शीशी चाहिए होगी, अब और हमें एक चाहिए होगा नमक, और ये दोस्तों ग्रेफाइट है जो पेंसिल का होता है ना, उसमें जो हम लिखते हैं ये वही चीज़ है, बस बड़ी है। इसके मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था। इसकी जगह पे आप कार्बन का भी यूज़ कर सकते हो, जो सेल वाले कार्बन होते हैं। दूसरी जो हमें चीज़ चाहिए होगी एक स्टील की पत्ती। दोस्तों मैं स्टील की पत्ती का यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहो तो अगर आपके पास दो ग्रेफाइट है तो आप दो ग्रेफाइट का यूज़ भी कर सकते हो, पर मैं स्टील की पत्ती का यूज़ कर रहा हूँ। हमें दोस्तों इनसे इलेक्ट्रोसिस करना होगा ऐसे डाल के। हमें इसकी जो ग्रेफाइट है इसको पॉजिटिव चार्ज देना होगा, इसको नेगेटिव। तो दोस्तों मैं इन दोनों का यूज़ नहीं करूँगा, मैंने कुछ और बना रखा है अपने लिए, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने इसका जो बोतल का ढक्कन था ना, बस इसी पे मैंने बीच में ये ग्रेफाइट लगा ली है, और साइड में जो स्टील की जो दो जालियाँ मैंने ये लगा रखी है। तो ये आप देख सकते हैं, इनको मैंने नेगेटिव से कनेक्ट कर रखा है, इसको ग्रेफाइट को पॉजिटिव से कनेक्ट कर रखा है मैंने, तो मैं इसी का यूज़ करूँगा। और दोस्तों इसमें 400 ml पानी है बोतल में, और इससे हमें जो खाने वाला नमक होता है यही हमें इसमें 100 ग्राम डालना होगा। आ तो ज़्यादा भी जाता है पर मैं 100 ग्राम ही डाल रहा हूँ, अगर ज़्यादा डालेंगे तो उसको टाइम ज़्यादा लगेगा। ये देखिए मैंने पहले से डाल रखा है, इसके नीचे आप देख पा रहे होंगे। तो 400 ml पानी में मैंने दोस्तों 100 ग्राम नमक डाला है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इससे इसको नमक को इसमें पानी में मिला दूंगा। तो ये कुछ टाइम इसमें पानी में नमक घुल जाएगा, इसको घुलने देते हैं थोड़ी देर। तो फ्रेंड्स हमारा नमक पानी में अच्छी तरह से घुल चुका है, अब मैं इसको बाहर निकाल लूंगा। मैं अपना ये बनाया हुआ इसको ढक्कन इसके ऊपर लगा दूंगा। इसको एक चार्जर लेना है, देखिए मैंने ये मोबाइल का चार्जर लिया है, 3 एम्पेयर का है, 5 वोल्ट 3 एम्पेयर। मेरे को केबल ऐसी ले लेनी है जो आगे से कटी हो, जो पॉजिटिव चार्ज है दोस्तों मैं ग्रेफाइट को देना है, और नेगेटिव चार्ज है वो मैं स्टील की पत्तियों को देना है। तो फ्रेंड्स मैं इसको लगा लेता हूँ। एक और चीज दिखाता हूं आपको, इस बोतल के अंदर जो पत्तियां देख सकते हो आप, ध्यान से देखना। अब मैं इसका करंट ऑन करूंगा, आप देख सकते हैं फिर बुलबुले निकलने शुरू हो गए। दोस्तों ये गैसेस बन रही है अंदर, हाइड्रोजन ऑक्सीजन और क्लोरीन गैस, और दोस्तों ये गैसें जहरीली होती हैं कुछ, तो आप इनको घर के बाहर ही करें तो अच्छा रहेगा। तो पहले मैं इस पे पाइप लगा लेता हूँ, आपको गैसेस भी दिखाऊंगा निकलती है। तो देखिए मैंने जो गैस सिलेंडर वाला पाइप होता ना, मैं वही पाइप लिया है, तो मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट कर लूंगा पहले। ये कनेक्ट हो गया, दिखना बंद हो गया। देखिए आप देख पा रहे होंगे ये गैसें निकलती है, आप बुलबुले निकल रहे, ये गैस है दोस्तों। इसने कुछ पानी ऊपर उठा लिया अपने साथ, क्योंकि अंदर
ज़्यादा हो गया पानी तो गैस प्रेशर के कारण ऊपर आ गया, यहाँ तक है पानी। बाकी ये बुलबुले आप देख देख पा रहे होंगे। तो मैं पानी में डाल के दिखाऊंगा, देखिए इसमें बुलबुले निकलने स्टार्ट हो गए। आपको एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ मैंने किया क्या है। हमने सिंपली एक बोतल लेनी है, उसके अंदर 400 ml पानी डालना है और 100 g नमक डालना है जो हम खाते हैं। तो उसको उसमें हमें इलेक्ट्रोसिस करना है ग्रेफाइट से। आप जो सेल वाला कार्बन होता है उसका भी यूज़ कर सकते हो। हमने एक ग्रेफाइट को पॉजिटिव चार्ज देना है और इन दोनों स्टील की पत्तियों को नेगेटिव चार्ज, और इन दोनों को फिर हमें चार्जर से कनेक्ट कर देना है। दोस्तों जो इसका करंट देना है हमें वो 5 volt से ज़्यादा नहीं देना। अगर हम 5 volt से इसको ज़्यादा करंट देंगे तो जो ग्रेफाइट का इसका है ये ख़राब हो जाएगा, ये पानी को ज़्यादा काला करना लगेगा और ये आपका जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों मैं इसको 1 हफ्ते के लिए छोड़ देता हूँ, ये ऐसे चलता रहना चाहिए 1 हफ्ते तक। और उसके बाद जो इसका नमक होगा ना वो पूरा ऑक्सीडाइजर में बदल जाएगा। दोस्तों जो बारूद का मेन इंग्रेडिएंट्स होता है जो, वो ऑक्सीडाइजर होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वही यूज़ होता है इसमें। आपने देखा होगा जो पोटेशियम नाइट्रेट चारकोल और सल्फर को मिला के जो बारूद बनता है उसमें पोटेशियम नाइट्रेट सबसे ज़्यादा पड़ता है 75%, बाकी चारकोल होता है वो 15% और सल्फर 10% पड़ता है। दोस्तों ये भी बस एक तरह का ऑक्सीडाइजर है, जो नमक का क्लोराइड है वो सोडियम क्लोरेट में बदल जाएगा। दोस्तों आपने सुना होगा पोटेशियम क्लोरेट होता है जिसको पोटाश बोलते हैं, ये भी दोस्तों बस पोटाश ही है, बस ये नमक से बनेगा। हेलो दोस्तों, तो मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। अभी इसको चलते 5 ही दिन हुए हैं और कुछ गड़बड़ हो गई है, देखिए ये जो ग्रेफाइट थी ये पानी में घुल गई है पूरी, इसलिए हम लोहे का यूज़ नहीं कर सकते। अभी ग्रेफाइट लगाई थी ये भी 5 दिन में घुल गई, अब ये 2 से 3 दिन और चलना था। तो मैं अब क्या करूँगा, इसकी जगह और लगा दूँगा मैं। तो मेरे पास एक और है, आप देख सकते हैं कितना अंतर है दोनों में, कम से कम आधी से ज़्यादा घुल गई इस पानी में, और हमारा जो पानी था वो भी कम हो गया नमक वाला। दोस्तों दोबारा इलेक्ट्रोसिस लगाने से पहले मैं इस पानी को गर्म करके एक बार फिल्टर करूंगा और उसके बाद इसको दोबारा इलेक्ट्रोसिस पे लगा दूंगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कार्बन घुल चुका है और मुझे उसको अलग करना है। तो इसको मैं अब फिल्टर करूँगा। दोस्तों मैं कुछ इस तरह से फिल्टर करूँगा, देखिए एक बर्तन में पानी डालकर रुई लटका दूंगा और धीरे धीरे टपकता रहेगा, और जब पूरा पानी फिल्टर हो जाएगा उसके बाद मैं इसको दोबारा बोतल में डालकर दोबारा इलेक्ट्रोसिस इसका दोबारा करूँगा। दोस्तों देख सकते हैं हमारा पानी फिल्टर हो चुका है, ये देखिए इस पानी का कलर थोड़ा चेंज हो गया। ये दोस्तों इसलिए क्योंकि इसमें सोडियम हाइपोक्लोरेट की मात्रा है और साथ में इसमें थोड़ा स्टील भी इसमें घुल गया है, जब पावर कट हो जाता है तो उसमें स्टील की मात्रा घुल जाती है। तो चलिए अब मैं इस पानी को इस बोतल के अंदर डाल दूंगा दोबारा। देख सकते हैं कितना कार्बन घुल गया था हमारा, इसलिए इसको मैंने फिल्टर किया। तो बस इसको मैं अभी 2 दिन और चलाऊंगा, उसके बाद इसको मैं बंद कर दूंगा। चलिए मैं 2 दिन के बाद आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों हमारा इलेक्ट्रोसिस होते हुए पूरे 9 दिन हो गए हैं। तो दोस्तों जितना भी हमारा नमक था यानी सोडियम क्लोराइड वो पूरा सोडियम क्लोरेट में बदल चुका होगा। तो चलिए दोस्तों हम आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं अपने कार्बन का क्या हाल किया। अगर आप लोहे का यूज़ करोगे
तो वो बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाएगा दोस्तों, इसलिए मैं बोला था ग्रेफाइट का यूज़ करना। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पानी को गर्म करेंगे, उसके बाद इसको फिल्टर करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम जो ये हमारा जो सोडियम क्लोराइड का जो सॉल्यूशन है, अब हम मैं इसको गर्म करूँगा। पहले दोस्तों मैं इसके एक स्टील के बर्तन में गर्म कर रहा हूँ। अगर आपके पास कांच का बीकर होगा तो आप उसमें गर्म करना, मेरे पास था नहीं तो इसलिए मैं स्टील के बर्तन का यूज़ कर रहा हूँ। ये मेरा ख़राब बर्तन है, काफ़ी टाइम मैं इसको यूज़ किया है इसलिए मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। चलिए इसको गर्म कर लेते हैं। और दोस्तों जब ये गर्म हो रहा हो आपको इसके पास बिल्कुल भी नहीं रुकना, इसकी जो इसमें जो भाप निकलेगी वो काफ़ी जहरीली होती है दोस्तों, वो आपके अंदर बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। तो दोस्तों इस गर्म होते टाइम आपको इसको बिल्कुल दूर रहना है। इसको वैसे हमने इतना गर्म करना है भी, एक बार इसमें उबाली आ जाए उसके बाद हमें बंद कर देंगे इसको। दोस्तों मेरा पानी जो है वो बॉयल होने लगा है, मैं इसको बंद कर दूँगा। गर्म होने के बाद अब हम इस पानी को फिल्टर करेंगे। चलिए इसको फिल्टर कर लेते हैं। दोस्तों मैं फिर बता रहा हूँ आपको, मास्क का प्रयोग जरूर करना है, इसकी जो भाप है वो आपके अंदर नहीं जानी चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों आपको इसी तरह से इसको फिल्टर कर लेना है। जब इसका पूरा पानी टपक जाएगा मैं फिर आपको दिखाता हूँ। अरे भाई ये क्या हो गया, भाई थोड़ा कांड हो गया यार, मेरा पैर लगने की वजह से थोड़ा पानी गिर गया। ये देखिए इतना ही बचा है, चलो कोई बात नहीं, हमारा काम तो चल जाएगा इतने से। चलो अब इसको फिल्टर कर लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स हमारा जो पानी है सोडियम क्लोरेट वाला वो फिल्टर हो चुका है, आप देखिए इतना ही बचा है पानी। तो फ्रेंड्स अब इस पानी को मैं स्टील के बर्तन में डाल रहा हूँ। दोस्तों मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर आपके पास बिकर है तो आप बिकर में करना, मेरे पास नहीं है तो मैं स्टील के बर्तन में कर रहा हूँ। और जब ये उबल रहा हो तो इससे दूर रहना, आपको मास्क लगा के रखना है। चलिए शुरू करते हैं, इसकी गैस आपके अंदर बिल्कुल नहीं जानी चाहिए, जो इससे भाप उड़ती है वो। अब मैं इस पूरे पानी को उड़ा दूंगा। फ्रेंड्स इसके नीचे मैं ये प्लेट रख दूंगा, ये तो ये पानी बाहर गिरने लगेगा। काफी मोटी प्लेट है, ये पानी को बाहर गिरने नहीं देगी। तो दोस्तों लगभग हमारा पानी खत्म होने वाला है, देखिए ठीक हो गया काफी पहले से, और साइड में आप देख पा रहे होंगे ये सफेद सफेद, यही हमारा सोडियम क्लोरेट। तो पानी में देखने से ये पता नहीं चल रहा था कि इसमें इतना ये हमारा जो सोडियम क्लोरेट होगा, पानी सूखने के बाद पता चला ये काफ़ी मात्रा में है। दोस्तों हमारा पानी काफ़ी आधे से ज़्यादा पानी गिर गया था, नहीं तो हमें और भी ज़्यादा मिलता ये। इसका मैं आपको वेट करके भी दिखाऊंगा मुझे कितना मिला। हमने तकरीबन 100 ग्राम नमक डाला था जिससे हमें 100 ग्राम ही सोडियम क्लोरेट मिलना चाहिए था, पर आप देखते हैं ये कितने ग्राम है। इसको सूख जाने देता हूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो लीजिए फ्रेंड्स हमारा जो सोडियम क्लोरेट है वो अच्छे से सूख गया है बिल्कुल। दोस्तों आपको मैं अब इसका वजन करके दिखाता हूँ ये है कितना।
पहले हम इसको निकाल लेते हैं इस कागज पर। तो दोस्तों ये है हमारा 55 ग्राम के करीब, क्योंकि दोस्तों हमारा आधे से ज़्यादा पानी था जो वो गिर गया, तो हमें पूरा 100 ग्राम मिलता, नहीं तो ये हमारा आधा ही मिला है हमें। ये सल्फर है तो गंधक, इसको गंधक भी बोलते हैं। मैं इसको हाथ मिला के आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। ये हमने अपना डाल दिया सोडियम क्लोराइड, 50-50 डाला है मैंने, इसको मैं मिलाऊंगा। देख पा रहे हैं दोस्तों ये पीली फ्लैश निकाल रहा है, इसका मतलब ये सोडियम ही है हमारा। तो चलिए अब मैं आपको इसको जो लकड़ी का कोयला होता है चारकोल, उसके साथ मिक्स करके आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। लकड़ी वाला चारकोल होता है ना, वही मिलाया मैंने सोडियम क्लोराइड के साथ। आप देख सकते हैं कितनी तेजी से उड़ा। जो बारूद का मिश्रण होता है 75-15-10, उसमें मिलाऊंगा मैं। फ्यूज है मेरा अपना बनाया हुआ ब्लैक पाउडर का, इसमें लगा लेता हूँ उसको और हम थोड़ा पीछे हट जाते हैं। तो देखा आपने कैसे हमने नमक से ये पहले ऑक्सीडाइजर बनाया और फिर हमने इससे बारूद भी बना लिया। चलिए दोस्तों अगर आप वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।